वेलकम टू द न्यू डे न्यू ब्लॉग। और रात कट गया भाई, बहुत आराम हुआ। रात को तो अवेलेबल था 12:45 में, लेकिन अवेलेबल होते गया लड़का। 54 आवर्स था मेरा, 53 वाला बहुत माल था, तो सब रात में निकल गया। मेरा अभी टीओ हुआ है सीधा 12 बजे का अप ट्रिप। तो 5-6 ट्रिप डाउन जाने के बाद आज अप लगा हुआ है। अच्छा है, दोनों मिला के लगता ठीक लगता है यार। एक ही जगह जा जाकर थोड़ा इरीटेशन हो जाता है, पहुँच भी नहीं पा रहे हैं ना, रेस्ट होता नहीं है। जाओ इधर, फिर रात भर इधर उधर घूमते रहो। अभी आप ट्रेन देखिए कितना देरी में ले जाता है। यहाँ पर अभी 2 पॉइंट है, अगर ज़्यादा रात में पहुँचेंगे तो वहाँ पर रेस्ट करेंगे, और अगर थोड़ा सा जल्दी पहुँच जाए तो वापस आ जाएंगे, रिटर्न हेडक्वार्टर आ जाएंगे। तो उधर से रिटर्न हेडक्वार्टर के लिए पास मिलता है, तो अगर पास मिलता है तो देखते हैं। अल्टरनेट पास मिलता है, एक को मिलता है, उसके बाद एक को नहीं मिलता, फिर एक को मिलता है। तो ज़्यादातर चांसेस है कि मिल ही जाता है, बोल बाल के ले लेगा, और कोशिश करेगा कि जल्दी गाड़ी पहुँचे। कोशिश मेरे कोशिश तो नहीं है, तो कंट्रोलर और कोशिश है। कोशिश नहीं करेगा तो क्या घंटा पहुंचेगा। तो फिलहाल अब रेडी सेडी हो चुके हैं, खाना पीना ले लिए हैं, टोटल चीज़ फुल तैयारी, फुल रेडी। चलिए चला जाए। टाइम भी कुछ 11:28 हो रहा है, इसमें उल्टा दिखता होगा, तो 11:28 हो रहा है और 2-3 मिनट बाद हम ड्यूटी है, चला जाए। तो भाई अभी जस्ट रायगढ़ पहुँचे, 19:20 के आसपास, और 19:50 में ऑफ हुआ है। और यहाँ से अभी मेल है, सॉरी मेल नहीं, आज़ाद हिंद 20:25 उसी में जाने का ट्राई करेंगे हम लोग। माय गाड़ी वाला तो दिमाग ख़राब कर दिया, तो इधर काट रहा उधर काट रहा, अभी घुमा रहा है बेटा। तो अभी खाना वाना हो गया है, घर से लाया था खाना, और रनिंग रूम में बैठे दोनों खाएं, असिस्टेंट खा ही रहा है। रात में यार मील बहुत कम कर दिए, रात में 2 रोटी, अब बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो रहा है। आफ्टर 35 भाई ड्राइवर का बहुत सारा प्रॉब्लम है। क्या गाड़ी जा रहा है भाई, तो गाड़ी निकल रहा है, गया के लिए वाला होगा स्पेशल ट्रेन, इसी में जाएंगे। सोच रहे थे फिर डिसीजन चेंज किए हम लोग कि नहीं, इसके बाद वाले हम जाते हैं, आराम से खाना वाना खा लेते हैं। तो भाई अभी जस्ट ऑफ हुआ है 22:45 में, और 22:15 में गाड़ी अराइवल हुआ था, 22:45 में ऑफ हुआ। आपका मेल में टीओ बना था, और आज़ाद इन तुरंत घुस गया था, हालांकि मेल भी पीछे पीछे घुसा तुरंत ही मेल में ही टीओ बनाए थे, तो फिर कोई 15-20 मिनट वेट करना पड़ा, तो ऑफ हो गया। ड्यूटी आज का काफ़ी अच्छा था। तो भाई फ्रेश फ्रेश हो गया, थोड़ा ठीक लग रहा है। ड्यूटी में बोले तो आज बैठाया बहुत ज़्यादा, ड्यूटी बहुत कम हुआ। माने अगर 12 बजे का टीओ था तो हम लोग को भेज दिया यहाँ से 1 बजे के आसपास, आपका जीप से भेज देता है। अगर रिलीफ यार्ड की गाड़ी रहती है तो मेन यार्ड से रिलीफ यार्ड भेज देता है। रिलीफ यार्ड में एक्चुअली ज़्यादा गुड्स ट्रेन को रिलीफ किया जाता है, तो हम लोग को भेज दिया 13 बजे। फिर 13 बजे से 17 बजे तक वहाँ पर बैठा के रखा, कोई गाड़ी का प्रोग्राम नहीं था। एक्चुअली डाउन इधर आप में कोई गाड़ी ही नहीं आ रहा था, मूवमेंट ही एकदम बंद था, कोचिंग मूवमेंट ज़्यादा हो गया था बोल रहा था। तो कोचिंग मूवमेंट जब खत्म हुआ तो गाड़ी आया NKDTR, और हम लोग पहले से देख चुके थे कि NKDTR आने वाला है, तो हम लोग भी एक्सपेक्ट में थे कि NKDTR अगर मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि NKDTR को अच्छा चलाता है। KDTR जस्ट रायगढ़ के जस्ट अगला स्टेशन KDTR है, तो उसको गाड़ी को बहुत ही बेहतर चलाता है, और आज तो बेहतर से भी ऊपर बेहतर चला दिया है एकदम। 17 बजे यहाँ से डिपार्चर हुआ, 19:40 में हमने 2 घंटा 40 मिनट में रायगढ़ में सीधा खड़ा हुआ। मैंने यहाँ से जो स्टार्ट हुआ कहीं रुका नहीं भाई, चलते ही गया और सीधा वहाँ रुका 19:40 में। जैसे हुआ तो फिर अभी अब TO बनाने के लिए 1 घंटा गैप करना है, तो फिर हम लोग सोचे किस में बनाएं, फिर 1 घंटा गैप करने के बाद फिर हम लोग मेल में बनाया। और जैसे ही ऑन ड्यूटी की आज़ादी को था, तो आज़ादी में बैठ के फटाफट आ गए। तो ड्यूटी तो ज़बरदस्त था, और पूरा हम लोग मतलब शेड्यूल के हिसाब से वो अगर वो छूट जाता दोनों गाड़ी, तो अगला गाड़ी सीधा 11 बजे तक पहुँचते 1-2 बजे, तो उस समय फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। असिस्टेंट का तो LR नहीं था, तो असिस्टेंट तो अपना पायलट आता, जैसे भी आता भाई अपना, हम तो सो जाता, क्योंकि अभी रात में वहाँ सोना में ज़्यादा बेहतर। अभी जैसे रात में पहुँच गए, अभी हो रहा है 11 बज रहा है, तो अभी आराम से सो जाएंगे, फिर दोपहर में ट्यूट लेंगे। तो अगर नहीं होता तो फिर वहाँ सोते, सुबह लेते ट्यूट।
रात में फिर झेलन हो जाता, रात में आते फिर अगला रात के लिए फिर रेडी रहिए, आप कम से कम रात में तो यहाँ सोएंगे। तो इस तरह का ड्यूटी बीता, पूरा ड्यूटी पूरा सेक्शन में भी अच्छा लोको पे मिला था। लोको में जैसे ही ड्राइवर जैसे चार्ज लेते वो बोल देता कि मास्टर सारा ठीक ठीक है, सोचना नहीं है, लोड भी बढ़िया है, तो फिर सोचने नहीं है। रायगढ़ की गाड़ी में मेन प्रॉब्लम ये है कि लोड 19-20 रहता है, माने पावर लोको का पावर जो है वो कम है और लोड उस पर बहुत ज़्यादा है। तो मान लीजिए कि मल्टी जो G9 है उसमें 52-82 टन हम लोग लेके जाते हैं, तो उसमें 5800-5700 टन दे देता है, तो उस समय ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ऊपर तो 45 का कोई गाड़ी अगर स्पीड लिमिट रहता है तो उसमें भी और ज़्यादा दिक्कत होता है। तो पूरा ड्यूटी अच्छा रहा, एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया कि CRO हो गया था, कैटल रन ओवर CRO मैंने होता है, तो ये थोड़ा सा एक मेरे को परेशानी लगा। तो बाकी सब कुछ तो बढ़िया ही हुआ और चलिए अच्छा ड्यूटी था। जय हिंद जय भारत।